द हार्ट ऑफ द ट्री जो एक अमेरिकन कवि और उपन्यासकार हेनरी क्वायलर बनर के द्वारा लिखी गई है और कोई ठम पाठकों को पेड़ लगाने के महत्व के प्रति अवगत कराते हैं। कवि बताते हैं कि पेड़ न केवल हमारे वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पारिस्थितिकी को संतुलित भी करते हैं। पेड़ हमारे लिए प्रत्येक रूप में आवश्यक हैं और जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। साथ ही कवि इस कविता में पेड़ों किस तरह से पेड़ जो होते हैं किसी राष्ट्र के लिए जो है वो विकास में जिम्मेदार है इसके बारे में वो बताएं। कविता की जो तीन स्टेंजाज हैं जिसमें कवि के द्वारा सवाल किया जाता है और वो अपने ही किए गए सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेंजा है जिसमें वो सवाल करते हैं कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, कि वह क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है, कि कोई भी व्यक्ति यदि पेड़ लगाता है तो उससे वो क्या स्थापित करता है। सो अपने ही किए गए सवाल का यहाँ पे वो जवाब देने का वो प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति पेड़ लगाकर सूरज और आकाश का मित्र स्थापित करता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, कि व्यक्ति जो है पेड़ लगाकर सूरज और आकाश का मित्र स्थापित करता है। कोई भी पौधा का जो विकास होता है वो ऊपर की ओर होता है, मानो कि वह सूर्य और आकाश तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो। और आगे यहाँ पे कवि कहते हैं कि पेड़ लगाने से इंसान एक ऐसा झंडा खड़ा करता है जो मंद गति के हवा में उड़ता है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रिजेज फ्री, एक्चुअली यहाँ पे पेड़ की जो शाखाएं हैं उसकी जो तुलना की गई है फ्लैग से की गई है, झंडे से की गई है। और मंद गति के हवा में जिस तरह से झंडे फ्लटरिंग करते हैं, हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं, सो पेड़ की जो शाखाएं होती है वो भी मंद गति के हवा में जो है वो उड़ते हैं। और यहाँ पे जो साफ्ट और पेड़ की जो तने हैं जिसे यहाँ पे साफ्ट वो कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है कि पेड़ की जो तने की जो कंपैरिजन किया गया है वो साफ्ट से किया गया है, डंडे से, झंडे की डंडे से किया गया है। और आगे यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि जो खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, पोइट कहते हैं कि पेड़ लगाने की क्रिया मानो एक घर बनाने की जैसी हो। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई, कि पेड़ लगाने की क्रिया जो होती है एक घर बनाने के तरह होता है, कि एक ऐसा घर जो स्वर्ग के पास है। एक पेड़ पक्षियों के लिए घर का काम करता है जहाँ वे मधुर संगीत गाते हैं। शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य उन पक्षियों के गीत को सुनते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड, कि शांत और प्रसन्न वातावरण में मनुष्य जो है इन पक्षियों के गीत को सुनते हैं और इन पक्षियों की जो चहचहाट होती है वह स्वर्ग के मधुर सुर के संगत होते हैं। द ट्रेवल ऑफ हेवन्स हार्मोनी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, और यहाँ पे वो कहते हैं कि यही सब चीज़ें जो है वो स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे जो लिखी गई है कि फिर से यहाँ पे वो आगे यहाँ पे वो सवाल करते हैं कि वह व्यक्ति क्या स्थापित करता है जो पेड़ लगाता है, और आने वाले लाइन्स में जो है वो जवाब देते हैं कि पेड़ हमें छाया प्रदान करता है और कोमल वर्षा। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, कि पेड़ क्या करते हैं हमें छाया प्रदान करते हैं और कोमल वर्षा जो सूरज के असहनीय गर्मी से राहत दिलाता है। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, कि आने वाले समय में हमें बीज और कली उत्पन्न करेंगे, ये जो पेड़ होते हैं हमें आने वाले समय में वो बीज उत्पन्न करेंगे, वो कली प्रदान करेंगे। और कई साल जब बीत जाएगा तब आज के जो बीज होंगे वो नए पेड़ों को उत्पन्न करेंगे। सो यहाँ पे लिखा गया है कि एन ईयर्स डेट फेड एंड फ्लश अगेन ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लान, कि पेड़ जमीन के शोभा और सुंदरता को बढ़ाते हैं, कि पेड़ जो होते हैं वो जमीन के शोभा को बढ़ा देते हैं और वो काफ़ी शोभनीय दिखाई पड़ते हैं। पेड़ लगाना वन के विरासत को बचाना है। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, कि पेड़ लगाना जो है वो वन के विरासत को बचाना है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज,
और जो आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, तो उन पेड़ों से वो लाभ ले पाएंगे। सो यहाँ पे लिखा गया है कि द जॉय डेट अनबॉर्न आईज, एक्चुअली यहाँ पे जो अनबॉर्न आईज आई हुई है, आप इसे समझ सकते हो कि जो आने वाली जो जनरेशन होगी, जो पीढ़ी होगी, वो हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ों का जो है वो लाभ ले पाएंगे। दीज थिंग ही प्लांट्स, यही चीज़ें जो है वो स्थापित करते हैं, हु प्लांट्स अ ट्रीज, हु प्लांट्स अ ट्री, जो पेड़ लगाते हैं। और आगे फिर यहाँ पे फिर से वो सवाल करते हैं कि वह इंसान क्या स्थापित करता है जो एक पेड़ लगाता है। अपने सवाल का जवाब देते हुए कवि कहते हैं, पेड़ लगाने से उसमें स्थापित होता है पेड़ का रस, पत्तियाँ और तना। एक पेड़ लगाकर इंसान अपना मूल्यवान निवास, सो यहाँ पे लिखा गया है इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, कि एक पेड़ लगाकर इंसान अपना मूल्यवान निवास अर्थात धरती के प्रति अपनी भक्ति और स्नेह को दर्शाता है। और यह कार्य इंसान के सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क को दिखाता है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि एंड फॉर कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, कि पेड़ लगाना जो है उसके सामाजिक कार्य को दिखाता है, उसके सोशल वर्क को दिखाता है। और यह दिखाता है कि किस तरह से उसका पेड़ लगाना जो है उसके पड़ोसियों के लिए एक वरदान है। और आगे फिर वो कहते हैं कि मनुष्य अपने खाली हाथों के द्वारा पेड़ लगाकर अपनी भूमि का विकास करता है, यहाँ तक कि देश के विकास की भावना उसी के दिल में आती है जो पेड़ लगाते हैं। सो यहाँ पे आगे लिखा, ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर हैंड आवर लैंड अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टीर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री, कि वो अपने खाली हाथों से पेड़ लगाकर अपने भूमि का तो विकास करता ही है, साथ ही साथ वह देश के विकास करने की जो भावना आती है उसके दिल में आती है। देश के प्रति जो है कुछ भी किया जाए वो उसी के दिल में आ सकता है जो पेड़ लगाता हो। आई होप कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स अ लॉट।